अगर आप लिथुएनिया के बारे में जानना चाहते हैं और यहाँ पर मूव होना चाहते हैं या फिर यहाँ पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको यहाँ के बारे में कुछ बेसिक चीजें या फिर कुछ फैक्ट्स कह लीजिए, वो सब जानना जरूरी है, जिससे कि आप यहाँ के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में डीपली जान सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। मोस्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड डोंट नो मच अबाउट लिथुएनिया। इवन आई डिडंट नो मच अबाउट दिस कंट्री बिफोर कमिंग हियर। सो यस, आज की वीडियो में मैं आपसे वही सब शेयर करने वाली हूँ। गाइस, लिथुएनिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर और शेंजन एरिया का पार्ट है, तो इस कंट्री में रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जिनके पास भी शेंजन वीजा है, वो लिथुएनिया के अंदर या लिथुएनिया के बाहर अदर यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं और उनका वीजा वैलिड होता है। एंड गाइस, सभी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में नहीं अपनाया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक को ही देख लीजिए, बट लिथुएनिया ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाया है। एक्चुअली इस देश ने 2015 में यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाया था। इससे पहले लिथुएनिया की करेंसी लिटास थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिथुएनियास ट्रांसपोर्टेशन रूल्स। गाइस, लिथुएनिया के लोग रोड के दाईं तरफ गाड़ी चलाते हैं, ठीक यूएसए और कनाडा की तरह। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स भी कुछ हद तक सिमिलर हैं, बट यहाँ पर गाड़ी चलाने से पहले आपको यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन रूल्स के बारे में और कुछ डिफरेंसेस के बारे में डीपली रिसर्च करना होगा। लिथुएनिया नेटो का मेंबर है। अब ये एक लॉन्ग प्रोसेस है कि लिथुएनिया नेटो का मेंबर कैसे बना, इस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन बाल्टिक देश 2004 में फाइनली सैन्य गठबंधन का सदस्य बन गया। इससे उसे रूसी अटैक के खतरे के खिलाफ एक्स्ट्रा सेफ्टी और आश्वासन मिलता है। और गाइस, लिथुएनिया के लोग लिथुएनियन भाषा बोलते हैं, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषाओं में से एक मानी जाती है। और लिथुएनियन लैंग्वेज की जड़ें इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की जड़ों से अटैच्ड हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लिथुएनियन लैंग्वेज के कुछ शब्द हमारी संस्कृत से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर ओल्ड एज पीपल मोस्टली लिथुएनियन और रशियन स्पीक करते हैं, जबकि यंग जनरेशन मोस्टली इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि 1940 से 1990 तक लिथुएनिया पर सोवियत संघ का कब्जा था, और यही कारण है कि यहाँ पर ओल्ड एज पीपल मोस्टली रशियन स्पीक करते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल में रशियन भाषा सीखने के लिए मजबूर किया गया था। गाइस, लिथुएनिया की कैपिटल विल्नियस है। ये सिटी छोटी है, यहाँ पर अप्रोक्स 505,000 रेजिडेंट्स है। अपार्ट फ्रॉम विल्नियस, लिथुएनिया के दो अदर सिटीज क्लाइपेडा और कॉनस भी हैं। कॉनस में लगभग 300,000 रेजिडेंट्स है, जबकि क्लाइपेडा की पॉपुलेशन 150,000 है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्पोर्ट्स की, तो बास्केटबॉल यहाँ का नेशनल गेम है। लिथुएनिया के लोगों को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। ना सिर्फ बास्केटबॉल इस कंट्री का नेशनल गेम है, बल्कि इस कंट्री में बास्केटबॉल का कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस भी है। एक्चुअली बास्केटबॉल को इस देश का सेकंड रिलीजन भी कहा जाता है, और बास्केटबॉल इस देश का गौरव का प्रतीक है। और लिथुएनियन बास्केटबॉल टीम ने 3 यूरो बास्केटबॉल खिताब जीतने के साथ साथ कई इंटरनेशनल कंपटीशन में भी सफलता हासिल की है। लिथुएनिया एक बाल्टिक नेशन है, जो कि नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। अदर 2 बाल्टिक नेशन लेटविया और एस्टोनिया है। इन दो देशों के कंपेरिजन में लिथुएनिया सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। लिथुएनिया एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल कंट्री है। लिथुएनिया अपने डाइवर्स लैंडस्केप, हिल्स और वैलीज के लिए जाना जाता है, और टूरिज्म के लिए एक बेस्ट प्लेस है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन इन लिथुएनिया। लिथुएनिया के लोग क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं। मोस्ट ऑफ द लिथुएनियन रोमन कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करते हैं। लिथुएनिया रूस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। लिथुएनिया रशिया बॉर्डर अप्रोक्स 297.1 किलोमीटर लंबा है, और इसमें सी बॉर्डर भी इंक्लूड है, और ये बॉर्डर दुनिया के महासंघ के बाद ही एस्टेब्लिश हुआ था। लिथुएनिया ने 1990 में अपनी फ्रीडम वापस पाई थी, और उसके बाद ही ये इंटरनेशनल बॉर्डर बना। सो या, दैट्स ऑल अबाउट लिथुएनिया। आई होप दिस वीडियो फाइंड यू इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, सो दैट मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो या, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, स्टे ट्यून्ड।